स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो किस तरीके से पासपोर्ट आप रिन्यूअल या रीशू कर सकते हैं, उसी के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। पासपोर्ट इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर आपने पहले से ही यूजर आई डी या लॉग इन आई डी बना रखी है तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपने लॉग इन आई डी नहीं बना रखी तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका वर्तमान पता है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो करंट एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डालिएगा, यहाँ पे सरनेम डालिए। जैसे सपोज कीजिए आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर, तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप डाल सकते हो। अगर आप सिंपली आपका नाम मोहन गुर्जर है तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका नाम सिंपली मोहन है तो मोहन इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस पे क्लिक करोगे तो आप जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे ऑटोमेटिक वो लॉगिन आईडी बन के यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कोई दूसरी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो वो लॉगिन आईडी यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ लॉगिन आईडी मोहन गुर्जर, ये इस तरीके डाल के चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर लेता हूँ अवेलेबल है या ये नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉगिन आईडी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और भी ऐड करके देख लेता हूँ और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है, इसका मैं यूज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिए। पासवर्ड किस तरीके से आपको बना के डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से पासवर्ड आप बना सकते हैं, स्टार्टिंग का एप कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, स्पेशल करेक्टर न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप पासवर्ड डालोगे बना के, सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। हिंट क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंट क्वेश्चन आप क्या रखना चाहते हैं। हिंट क्वेश्चन के आंसर की आपको तब जरूरत पड़ेगी अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या लॉक हो जाता है, तो उस टाइम आपको इसके आंसर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे हिंट आंसर डाल देना है, जैसे बर्थ सिटी हमने सेलेक्ट किया है तो बर्थ सिटी यहाँ पे हम डाल देंगे। और यहाँ पे अगर कैपिटल में डाल रहे हो तो कैपिटल में आपको याद रखना है, स्मॉल में डाल रहे हो तो वो याद रखना, क्योंकि उस टाइम ऐसा ही आपको डालना होगा जैसा यहाँ पे आपने डाला है। अगर स्मॉल में डाला है तो उस टाइम जब आप पासवर्ड एक्टिवेट करोगे तो स्मॉल में ही आपको हिंट आंसर डालना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालेंगे और सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आ जाता है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन ईमेल सेंड योर ईमेल आईडी। तो आपकी ईमेल पे एक लिंक चला गया है पासपोर्ट डॉट एडमिन की तरफ से, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये लिंक आ चुका है, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे जो लिंक है इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे यूजर आईडी डाल दीजिएगा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपने बनाई थी। अगर आपने ईमेल आईडी ही रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई थी तो सिंपली ईमेल आईडी डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। अगर वहीं आपने कोई दूसरी लॉगिन आईडी बनाई थी या यूजर आईडी बनाई थी तो वो डाल के सबमिट पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं या होम पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एग्जिस्टिंग, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल लीजिएगा जो अभी आपने एक्टिवेट की थी और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे जो पासवर्ड हमने बनाया था, ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। अगर कैप्चा आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज आप कर सकते हो। तो ये डिटेल डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / रीइशू ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। अब इस तरीके से आ जाता है। अगर आपके केस में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट के लिए आ रहा है तो जो आपका करंट एड्रेस है, जो वर्तमान पता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाइंग फॉर
तो जैसे आपके पास पहले से ही पासपोर्ट है, उसको रीस्वाप करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पर रीस्वाप पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होता, रीइशू होता है। चाहे आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है, तो उस केस में रीइशू ही होता है। दो ही ऑप्शन होते हैं, फ्रेश पासपोर्ट या रीइशू ऑफ पासपोर्ट। अगर आपके पास पहले से ही पासपोर्ट है तो रीइशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक आप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पासपोर्ट पासपोर्ट को एक्सपायर हुए 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। वहीं अगर आपका पासपोर्ट 3 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है या फिर 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है, तो उस केस में यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल कैटेगरी के तहत आप अप्लाई करना चाहते हो या तत्काल कैटेगरी के तहत अप्लाई करना चाहते हो। नॉर्मल कैटेगरी में पेमेंट कम लगती है, वहीं तत्काल कैटेगरी में पेमेंट ज़्यादा लगती है। तत्काल कैटेगरी में ये फायदा होता है कि पासपोर्ट आपका जल्दी बन जाता है, वहीं नॉर्मल में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे मैंने नॉर्मल कैटेगरी के तहत अप्लाई करना चाहते हो तो नॉर्मल हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद बुकलेट टाइप, 36 पेज की बुक आपको चाहिए पासपोर्ट की या 60 पेज की जंबो बुक चाहिए। अगर 36 पेज की बुक से काम चल जाएगा तो 36 पेजेस पे यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिएगा। अगर जैसे आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका नाम सिंपली मोहन गुर्जर है तो मोहन गुर्जर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर आपका सिंपली नाम मोहन है तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा। जो भी डिटेल यहाँ पे आप डाल रहे हो, एज पर डॉक्यूमेंट डिटेल आप डालिएगा। अगर आप पासपोर्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहते हो, जैसा पासपोर्ट में सेम ऐसी ही डिटेल यहाँ पे डालिएगा। पासपोर्ट में आपको दिख जाएगा गिवन नेम में, यहाँ पे गिवन नेम डालिएगा, सरनेम में सरनेम यहाँ पे डालिएगा जैसे पासपोर्ट में डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते थे तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर यही आपका नाम है तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, पुराना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया तो सिंपली नो इसको रहने दीजिएगा, नो कर दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहाँ पे बर्थ प्लेस अपना डाल दीजिएगा। जैसे अगर आपका बर्थ प्लेस है नोएडा का तो नोएडा यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मैरिड हो सिंगल हो, जो भी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई बर्थ हो गया है। उसके बाद यहाँ पे पैन डाल दीजिएगा, पैन नंबर नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। पैन नंबर वोटर कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप में एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इज आइदर ऑफ योर पेरेंट स्पॉस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। यह माइनर के केस में या स्पॉस के केस में है, ठीक है। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं ग्रेजुएट एंड अबव, जो भी क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पहचान चिन्ह वो यहाँ पे डाल लीजिएगा, आधार नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा। अगर आधार अवेलेबल है तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आधार नंबर आपने डाला है तो यस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा। फादर नेम आप रनिंग में डाल सकते हो इस तरीके से, रोहन सिंह। उसके बाद गुर्जर जो है सरनेम में भी आप डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से हटा के यहाँ पे भी आप डाल सकते हो गुर्जर। बाकी रनिंग में जैसे मैंने डाला था ऐसे भी आप डाल सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट में जो प्रिंट होके आता है तो वो रनिंग में ही प्रिंट होके आता है। पेरेंट डिटेल जो है या स्पाउस डिटेल जो वो रनिंग में आती है, लेकिन जो गिवन नेम आपको उसमें आपको ध्यान रखना हो, रोहन स्पेस सिंह स्पेस गुर्जर यहाँ पे सरनेम में आ गया है। बाकी यहाँ पे माता जी का नाम डाल दीजिएगा, फिर माता जी का सरनेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पाउस नेम डाल दीजिएगा, स्पाउस सरनेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस अपना डाल लीजिएगा, यहाँ पे सिटी या टाउन आप डाल लीजिएगा, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा।
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी पुलिस स्टेशन है एड्रेस के अकॉर्डिंग वो पुलिस स्टेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, पिन कोड क्या है एड्रेस के अकॉर्डिंग पिन कोड यहाँ पे आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो डाल दीजिए, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाकी ये जो एड्रेस है, करंट एड्रेस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी प्रेजेंट एड्रेस आप डालोगे, वर्तमान पता जो आप डालोगे, करंट एड्रेस जो डालोगे, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनमें से अगर कोई सा भी आपके पास प्रूफ है तो वो एज अ करंट एड्रेस प्रूफ चल जाएगा। बाकी नीचे की तरफ आओगे, अगर वर्तमान पता परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका वर्तमान पता के तो डिटेल यहाँ पे डल गई, करंट या प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल तो यहाँ पे डल गई है। बाकी अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके नो पे क्लिक करोगे, उसके बाद परमानेंट एड्रेस की डिटेल इसी तरीके से यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी परमानेंट एड्रेस नहीं है तो सिंपली नो पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये डिटेल डाल के जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे, यहाँ पे नाम डाल देंगे और एड्रेस उनका डाल देंगे। इसमें आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम और एड्रेस डाल सकते हो, या किसी रिलेटिव का नाम और एड्रेस डाल सकते हो, या फ्रेंड का डालना चाहते हो तो उसका नाम और एड्रेस डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी भी अगर उसको डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, और सेम आई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल डाल दीजिएगा, जो आपका पासपोर्ट है जो एक्सपायर हो गया है या फिर जो एक्सपायर होने वाला है तो उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालिएगा, किस डेट में वो इशू हुआ था वो डालिएगा यहाँ पे, किस डेट में एक्सपायर हुआ है वो यहाँ पे डाले, और किस जगह से वो इशू हुआ है वो यहाँ पे डाले, फाइल नंबर यहाँ पे डाले। पासपोर्ट का जो एड्रेस वाला जो पेज है उसमें नीचे की तरफ देखोगे तो फाइल नंबर आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे डिटेल्स नोट अवेलेबल पे क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाता है, अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो वो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं तो सिंपली नो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप कन्विक्टेड हो कोर्ट इन इंडिया तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपका पहले कभी पासपोर्ट रिफ्यूज या डिनाइड हुआ है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। फॉरेन सिटीजन सब के लिए अप्लाई किया है, ग्रांट हुआ है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप इंडिया इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे रिटर्न हुए हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो नो पे क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गिवन नेम दिख जाएगा, यहाँ पे सरनेम दिख जाएगा, डिटेल अपनी देख लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अगर कुछ गलत डल गया है तो प्रीवियस पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारे केस में सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पे बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी प्रूफ दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेन सेलेक्ट करना चाहते हैं पेन सेलेक्ट कर लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हो ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर इलेक्शन कार्ड जो वोटर कार्ड है उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे करंट एड्रेस प्रूफ में भी काफ़ी प्रूफ दिए हुए, इनमें से कोई सा भी एक प्रूफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अपने केस में आधार कार्ड कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर देते हैं। पेज पे नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे जो प्लेस है एड्रेस के अकॉर्डिंग प्लेस यहाँ पे आप डाल लीजिए, यहाँ पे हमने प्लेस डाल लिया है। इस बॉक्स पे क्लिक करके सेव माय डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपने जो भी डिटेल डाली है वो सही है या कुछ डिटेल आपसे गलत डल गई है। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा, अगर कुछ डिटेल गलत डल गई है प्रीव्यू पे क्लिक करके डिटेल में आप चेंज कर लीजिएगा, और उसके बाद इस पेज पे आके डिटेल अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ सही है तो सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाता है, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे। अभी यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट
पेमेंट वाला जो सर्कल है क्लिक यहाँ पे कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हमने लोकेशन सेलेक्ट कर लिए, पीएस के गाजीबाद सेलेक्ट कर लिया है। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालेंगे। कैप्चा अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कब के अपॉइंटमेंट चल रही है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके डेट आप चेंज कर सकते हो। जैसे ही कैलेंडर पे आप क्लिक करोगे तो कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जो ग्रीन डेट है इन डेटों में से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। जिस डेट का भी अपॉइंटमेंट आप करना चाहते हो वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितना पेमेंट आपको करना है। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट करने के लिए पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। अब ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आ जाएगा। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालेंगे, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। सीवीवी कोड 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगा वो यहाँ पे डालेंगे। ये कैप्चा यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कर देंगे। अब कार्ड से जो मोबाइल लिंक का ओटीपी उस पर चला गया है वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आ जाता है। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पे आप 10 सेकेंड वेट कर सकते हो या क्लिक केयर पे क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है और आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है योर अपॉइंटमेंट हैज बिन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज ये। अब यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट डेट दिख जाएगी, किस टाइम का अपॉइंटमेंट हुआ वो दिख जाएगा। अपॉइंटमेंट आईडी दिख जाएगी, जो आपका मोबाइल है उस पर भी अपॉइंटमेंट डिटेल का एसएमएस चला गया है। और अगर मोबाइल पे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस नहीं आया है तो उसका भी तरीका आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा। अब इस पेज पर नीचे की तरफ आ जाते हैं। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस नहीं आया है तो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे क्लिक करके एसएमएस आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अपॉइंटमेंट रिसिप्ट अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे। अब इस तरीके से आ जाता है। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट टाइम आपको दिख जाएगा। इस अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आप निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। जिस डेट का भी आपका अपॉइंटमेंट है उस डेट में एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट और जो मोबाइल है जिसपे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस आया है वो मोबाइल लेके जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है और पासपोर्ट का जो फर्स्ट 2 पेज और लास्ट 2 पेज है उनकी फ़ोटोकॉपी आप निकाल लीजिएगा। करंट एड्रेस प्रूफ लेके जाइएगा। करंट एड्रेस प्रूफ में आधार अगर आप लेके जा रहे हो तो ओरिजिनल आधार के साथ साथ ई आधार आप लेके जाइएगा, कलर ई आधार, और वो उसमें टिक लगा हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं होना चाहिए। किस तरीके से वेरीफाई आधार ई आधार आप निकाल सकते हैं उससे रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मैंने अपलोड करके उसको आप देख सकते हो, या इस वीडियो के लास्ट में उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाइएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो ओरिजिनल लेके जाइएगा और उसके साथ साथ फोटो कॉपी उनकी लेके जाइएगा। जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे तो वहाँ से जैसे सक्सेसफुल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नॉर्मल कैटेगरी के तहत अगर आपने अप्लाई की थी तो उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके कुछ दिन के बाद ही पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। वहीं अगर आपने तत्काल कैटेगरी के तहत अप्लाई किया था तो जैसे ही आप सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देते हो पासपोर्ट ऑफिस में तो उसके कुछ दिन बाद ही सब कुछ अगर ठीक ठाक रहता है तो पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाता है और उसके बाद होती है पुलिस वेरिफिकेशन। नॉर्मल में पुलिस वेरिफिकेशन पहले होती है, पासपोर्ट बाद में आता है। वहीं तत्काल कैटेगरी के तहत पासपोर्ट पहले आ जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है। तो ये पूरा तरीका है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी पासपोर्ट रिलेटेड और भी जानकारी देखना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दीजिएगा पासपोर्ट, चाहे प्रेस पासपोर्ट हो, तत्काल, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है इनको आप देख सकते हैं। चाहे अलग अलग
पासपोर्ट स्टेटस का क्या मतलब होता है, उन सब रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है तो यहाँ पे आप डालिएगा पासपोर्ट पेमेंट, सिर्फ ये आप डाल दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासपोर्ट पेमेंट पेंडिंग इनिशिएटेड या फील्ड दिखा रहा है, तो इस वीडियो को देख के आप वेरीफाई कर सकते हो। पेमेंट अगर हो चुकी है, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाया है, तो ये जो वीडियो है इसको देख के आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। बाकी आधार का बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आप डालोगे वैलिड डेट, ये आधार का बता रहा हूँ मैं आपको, वैलिड डेट आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आधार वैलिड डेट सिग्नेचर, तो यहाँ पे ये वाला जो है जो वैलिड डेट हो रखा है, तो ये किस तरीके से आप निकाल सकते हो उसके बारे में इसमें बताया हुआ है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी, इनको आप चेक कर सकते हैं। पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो की बात करें तो 86 वीडियो अपलोड कर रखी, इनको आप देख सकते हो। बाकी सोशल साइट की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करोगे पेज पे नीचे की तरफ आओ, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बाकी कहाँ से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता लगे कि हमारे व्यूवर कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोज को देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।